आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्री अन्नपूर्णानंद जी द्वारा लिखित अकबरी लोटा पाठ का तीसरा जो वीडियो है उसमें आपको स्वागत करती हूँ। पेज नंबर 83, ओपन योर टेक्स्ट बुक, वी विल गो पैराग्राफ नंबर 3। बिफोर गोइंग इन टू द पैराग्राफ, लेट मी सम अप द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट 2 वीडियोस। The first point was लाला झाऊलाल की स्थिति, his condition, इस introduction में बोला गया था। झाऊलाल की पत्नी की फरमाइश, his wife requested for a 250 rupees। झाऊलाल का स्वाभिमान, his स्वाभिमान। झाऊलाल की परेशानी, his tension, and सातवें दिन, seventh day, his tension, उसके बारे में हमने पढ़ा। और अब शुरू होने जा रहा है झाऊलाल के आंगन में, इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में भीड़, क्राउड क्यों है। और जाएंगे पेज नंबर 83, पैराग्राफ नंबर 3। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र, इम्पॉर्टेंट रोल कैरेक्टर, एक अंग्रेज है जो नगशिक, फ्रॉम हेड टू टो भीगा हुआ है, इज कम्प्लीटली वेट, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। ही वॉज डांसिंग इन वन लेग बिकॉज दी अदर लेग ही वॉज होल्डिंग इन हिज हैंड। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन, इमीडिएटली, दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। दैट मीन्स दो और जो जोड़कर माने ही अंडरस्टूड द सिचुएशन बिकॉज ही सो द लोटा विथ द इंग्लिश मैन। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया। सो बिफोर फॉलिंग द ऑन द हेड ऑफ दिस पर्सन द लोटा वेंट एंड हिट ऑन ए सनशेड ऑफ अ शॉप। वहां टकराकर एंड इट वेंट एंड हिट ऑन दैट प्लेस, उस दुकान पर घड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग, दैट इज फ्रॉम द हेड टू टो, स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। एंड इट वेंट एंड फेल ऑन द बूट। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है, व्हेन द इंग्लिश मैन रियलाइज दैट दिस लोटा इज द लाला झाऊलाल इज द ऑनर ऑफ दिस लोटा, तब उसने केवल एक काम किया। देन ही डिड वन थिंग, अपने मुंह को घोलकर गुला छोड़ दिया, विच मीन्स दैट ही ओपन्ड हिज माउथ, ही डिड नॉट क्लोज, दैट मीन्स ही स्टार्टेड टॉकिंग। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ, एंड टुडे ही केम टू नो दैट कि अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में इतने सारे गालियों माने बैड वर्ड्स को ऐसा प्रगांड कोश है। एंड दिस बैड वर्ड्स ही लर्न्ड, ही अंडरस्टूड इंग्लिश बैड वर्ड्स, दैट इज दिस मच ऑफ बैड वर्ड्स आर देयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र, सर्कल में डालिए पंडित बिलवासी मिश्र, अनदर कैरेक्टर है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। सो ही सो दैट हिज फ्रेंड पंडित बिलवासी मिश्र इज कमिंग बिटवीन द ग्रुप, बिटवीन द दैट क्राउड। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। सो वॉट इज द फर्स्ट वन ही डिड वेन ही केम इन दैट प्लेस, ही सेड ऑल अदर पीपल एक्सेप्ट दैट इंग्लिश मैन अदर्स टू मूव आउट ऑफ द कोर्टयार्ड, ही केप्ट देम आउट। फिर आंगन में कुर्सी रख कर, ही केप्ट अ कुर्सी, कुर्सी माने चेयर ऑन द कोर्टयार्ड, और उन्होंने साहब से कहा, ही सेड टू द इंग्लिश मैन, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, सो लिटिल इंजरी ऑन योर फीट, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। सी यू हैव अ स्मॉल इंजरी ऑन द फुट एंड देन यू हैव टू सिट ऑन दिस चेयर। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। साहब इंग्लिश मैन ही सेड थैंक यू एंड ही सैट ऑन द चेयर, और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, एंड ही शोड लाला झाऊलाल एंड ही आस्क्ड द इंग्लिश मैन, आप इस शख्स को जानते हैं, डू यू नो दिस पर्सन? बिल्कुल नहीं, नो नेवर,
आई डोंट नो दिस पर्सन, और मैं ऐसे आत्मी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे. सी आई डोंट वॉन्ट टू नो दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन आत्मी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राहों पर, द वन हु वॉक्स ऑन दी रोड्स इज थ्रो लोटे के वार करे, माने ही अटैक अदर्स विथ दी लोटा. सो आई डोंट वॉन्ट टू नो दिस पर्सन, झावलाल. ओके, अब देखिए बच्चों पेज नंबर 84 में, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, मीन्स ब्रैकेट में देखिए यानी यह खतरनाक पागल है. आई थिंक ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, ल्यूनाटिक मीन्स पागल. नहीं, मेरे समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, नो आई थिंक ही इज अ क्रिमिनल. परमात्मा ने लाला जावलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ गाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से घा चुके होते. बिकॉज इफ गॉड ऑलमाइटी हैड गिवन हिम अ शक्ति, अ पावर टू ईट अ पर्सन, ही वुड हैव डेफिनेटली ईट बिलवासी जी, बिकॉज दी दैट मच वर्ड्स ही इज यूजिंग अगेंस्ट लाला जावलाल, एंड ही इज अ फ्रेंड ऑफ लाला जावलाल, एंड दिस वर्ड्स ही इज यूजिंग अगेंस्ट हिम. साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए. सो इंग्लिश मैन ही आस्क, यू कैन सी द पिक्चर देर, इंग्लिश मैन ही आस्क बिलवासी जी, सो वॉट आर यू सेइंग, वॉट आई हैव टू डू नाउ. पेज नंबर 85 में देखिए बच्चों, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए. पुलिस स्टेशन है कहा, सो बिलवासी जी सेइंग दैट यू शुड गो टू द पुलिस एंड देन गिव अ रिपोर्ट सो दैट दे विल कम एंड अरेस्ट दिस पर्सन. सो द इंग्लिश मैन इज आस्किंग पुलिस स्टेशन, वेयर इज द पुलिस स्टेशन. सो बिलवासी जी सेइज दैट पास ही है, चलिए मैं बताऊँ. ओके चलिए, अभी चला, आपकी इजाजत परमिशन हो तो मैं पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ. सो इफ यू अलो मी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू बाई दिस लोटा फ्रॉम दिस पर्सन, फ्रॉम दिस जावलाल. क्यों जी बेचोगे, विल यू सेल इट. मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ, आई कैन गिव यू 50 रुपया, 50 रुपीज. लाला जावलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी के लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे. सो वाई आर यू गिविंग 50 रुपीज फॉर दिस अनटाइडी लोटा. आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य सरप्राइज. मैं तो आपको इस विज्ञ और सुशिक्षित आत्मी समझता था. सो आई थॉट दैट यू आर अ वेरी गुड स्कॉलर एंड अ वेल एजुकेटेड पर्सन. यू आर सेइंग दिस लोटा इज अ वेस्ट वेस्ट थिंग. आखिर बात क्या है, बता दीजिए, कुछ बता दिए, बताइए भी. जनाब एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, ऐतिहासिक अंडरलाइन हिस्टोरिकल. जान क्या पड़ता है, मुझे पूरे विश्वास है. सो आई कम्प्लीटली ट्रस्ट, आई कम्प्लीटली बिलीव कि दिस इज़ अ हिस्टोरिक, दिस इज़ अ वेरी मच वेरी हिस्टोरिक लोटा. यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, अंडरलाइन अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है. सी तलाश मैंने इसकी सर्च के लिए द होल वर्ल्ड इन द म्यूजियम, म्यूजियम इन द होल वर्ल्ड इज आफ्टर दिस लोटा. क्या बात, ओ दैट इज द थिंग. सो अब देखिए बच्चों आगे की कहानी हम अगले वीडियो में, दैट इज वीडियो नंबर 4 में हम देखेंगे. सो इसी के साथ वीडियो 3 यहाँ यहीं पे समाप्त होती है. थैंक यू सो मच, प्लीज़ वॉच वीडियो 4 टू. थैंक यू.